हुई वारदात। नवादा में विषाक्त भोजन खाने से करीब 24 लोग बीमार, मिठाई खाने से बिगड़ी तबीयत। जमुई में बाइक नहीं देने पर गर्भवती महिला की हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। सासाराम के मथुरी टोला में युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, मृतक के भाई ने कुछ युवकों पर लगाया हत्या का आरोप, आगे की जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर के कोलईवर में हथियारबंद बदमाशों ने युवक को गोली मार दी, घायल युवक का इलाज जारी। नवादा के बीघा गांव में गोलीबारी, दो लोग गंभीर रूप से जख्मी, सभी का इलाज जारी। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार आवास सहायक को रौंदा, इलाज के दौरान आवास सहायक नीलू देवी की मौत। सिमडेगा के कोचेडेगा लुकी बहार के पास पेड़ से टकराई बाइक, घटना में दो युवकों की मौत, एक घायल। गुजरात के मोरबी में नमक फैक्ट्री की दीवार गिरने से 12 मजदूरों की मौत, कई मजदूर घायल। छपरा में स्कूल वैन में लगी आग, बच्चों को घर छोड़ने जाने के दौरान लगी आग, हादसे में बाल बाल बचे बच्चे। महाराष्ट्र की भिवंडी में इंडियन कॉरपोरेशन कॉम्प्लेक्स में लगी आग, कॉम्प्लेक्स के बाहर देखा गया धुएं का गुबार। भोजपुर के उद्वंत नगर थाना क्षेत्र में गिट्टी लदे ट्रैक्टर ने दो शिक्षकों को रौंदा, दोनों की मौत। भागलपुर में बाइक और साइकिल की टक्कर, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, जहांगीरा गांव के पास की घटना। नालंदा जिले के सोहसराय में मामूली विवाद में दो गुटों में मारपीट, बीच बचाव करने गए युवक को असामाजिक तत्वों ने जमकर पीटा। कटियार में मजदूरी मांगने पर ठेकेदार के गुर्गों ने की मजदूरों की पिटाई, मारपीट में मजदूर और सुपरवाइजर घायल। बागा के रामनगर में प्रधान शिक्षक ने की बच्चे की बेरहमी से पिटाई, शिक्षक पर पीड़ित बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र छीनने का भी लगा आरोप। मधुबनी के वाटसन स्कूल परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का उद्घाटन किया गया है, इसका उद्घाटन मंत्री जीवेश मिश्र ने किया। मुजफ्फरपुर में सरैया थाने के गोपी धनवत कांड में न्याय की मांग को लेकर दूसरी बार आईजी से मिले भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के नेता। मुंगेर में गंगा में स्नान करने के दौरान 10 वर्षीय बालक की डूबने से मौत, मामला लखीसराय जिले के मेदिनी चौक थाना क्षेत्र के भेहरा ढाला गांव। बोकारो स्टील प्लांट और डालमिया सीमेंट के बीच हुआ एएमयू, सीएसआर के तहत प्रशिक्षण देकर शिक्षित युवाओं को स्किल करें। मधुबनी में सांप काटने पर इलाजरत युवक को डॉक्टर ने किया मृत घोषित, ओझा ने किया था झाड़फूंक। लखीसराय में वाहन जांच अभियान चलाया गया, इस दौरान कई वाहनों को जब्त किया गया, चालान भी काटे गए। राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में उपविजेता बनकर लौटी झारखंड टीम का सिमडेगा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। लखीसराय नगर परिषद में घोटाले की जांच को लेकर दो सदस्यीय टीम पहुंची, इस दौरान टीम ने मामले की गहनता से जांच पड़ताल की, निगम के अधिकारियों पर घोटाले का आरोप। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के बीडी इवनिंग कॉलेज में 15 नए विषयों में एमए और एमएससी की पढ़ाई शुरू होने जा रही है, इससे सैकड़ों छात्रों को राहत मिली। पटना में पूर्व विधायक कैप्टन डॉक्टर त्रिभुवन सिंह का निधन, 80 साल की उम्र में हुआ निधन। गोपालगंज सदर अस्पताल में इलाज के लिए पैसे की वसूली, स्वास्थ्य कर्मी ने मरीज के टूटे पैर में प्लास्टर के लिए मांगे 600 रुपए। मुजफ्फरपुर में बिना सेफ्टी के काम कर बिजली की तार पर काम कर रहे हैं मजदूर, मजदूरों के काम पर मुखिया ने लगाई है रोक। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बगहा में 8 नवनियुक्त एएनएम को दिया गया प्रशिक्षण, कोरोना टीकाकरण के लिए दिया गया एक दिवसीय प्रशिक्षण। मणिपुर में चल रही राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने मेजबान मणिपुर को 4-1 से हराया, झारखंड टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। भागलपुर में एक शख्स ने किसानों के खेतों तक पहुंचाया सिंचाई का पानी, लोगों ने बनाया मुखिया, ग्रेजुएशन का छात्र है ये मुखिया और कई लोग कर रहे हैं जमकर तारीफ।
कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड में नल जल योजना फेल। ग्रामीणों ने नल जल योजना के टॉवर को बनाया गोदाम। अनाज का बोरा के साथ रखा गया अन्य सामान। असम के नागांव में बाढ़ से बुरे हालात। नागांव जिले में 50,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। बेंगलुरु में जोरदार बारिश के बाद जगह जगह सड़कों पर भरा पानी। गर्मी से मिली लोगों को राहत। बेंगलुरु में भारी बारिश के बीच सीएम बसवराज बुम्बई ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बाढ़ से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल से बाहर। रोमांचक मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 रनों से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स को रिंकू सिंह की आंधी भी नहीं दिला पाई जीत। रिंकू सिंह ने अपनी पारी में 15 बॉल में 40 रन बनाए। आखिरी बॉल तक अटकी रही सांसें। लखनऊ सुपर जायंट्स ने रच दिया इतिहास। ओपनर्स ने पूरे 20 ओवर की बैटिंग। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 210 का स्कोर बनाया। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ केएल राहुल। क्विंटन डी कॉक ने पूरे 20 ओवर तक बल्लेबाजी की। क्विंटन डी कॉक ने इस पारी में 140 रन बनाए। कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिंगर मामे खान ने घूमर गाना गाया। गाने की धुन पर दीपिका पादुकोण, तमन्ना भाटिया, उर्वशी रौतेला और पूजा हेगड़े ने जमकर डांस किया। कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन। अनुराग ठाकुर ने कहा, हमारे पास सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, सिनेमा है। किसने भी भारतीय पवेलियन देखा वो बोला मोगैम्बे खुश हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से की मुलाकात। व्यापारिक संबंधों को लेकर हुई चर्चा। भारत की मदद के बाद भी श्रीलंका में तेल की किल्लत बरकरार। पेट्रोल डीजल के लिए फ्यूल स्टेशन पर कई किलोमीटर लंबी लाइन। भारत ने 15 मई को भेजा था 4,00,000 मीट्रिक टन डीजल। भारत की सैन्य सहायता कर सकता है अमेरिका। जानकारी के मुताबिक मदद के पीछे रूसी हथियारों पर भारत की निर्भरता घटाना अमेरिका का मकसद। मैक्सिको की सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता। अमेरिका तक जराही एक सुरंग का खुलासा। सुरंग के जरिए भेजी जाती थी ड्रग्स। प्रशासन ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई की मार झेल रहा ब्रिटेन। अप्रैल महीने में 9% तक पहुंची महंगाई दर, पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा महंगाई। एस्टोनिया में अमेरिका की सेनाओं के साथ शुरू किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास। एस्टोनिया के 15,000 सैनिक अभ्यास में शामिल। चिली के सेंटियागो में बड़ा हादसा। मेट्रो के एक डिब्बे में धमाके की वजह से लगी आग। मेट्रो के डिब्बे में बिजली की खराबी से हुआ हादसा। कई स्टेशन पर बंद की गई सर्विस। पेरू में मिले 70,00,000 साल पुराने मगरमच्छ के अवशेष। वैज्ञानिकों के मुताबिक पाए गए अवशेषों में ये पता चल पाएगा कि मगरमच्छ की वर्तमान प्रजाति पहली बार समुद्र से जमीन पर कैसे आई। कांस फिल्म फेस्टिवल में जेलेंस्की का संबोधन। चार्ली चैपलिन की फिल्म द ग्रेट डिटेक्टर के जरिए पुतिन पर ज्यादा निशाना। कहा, लोगों की नफरत होगी खत्म, मारे जाएंगे तानाशाह।